हमारे पूर्वज लोग पहले लाख पैदा करते थे और इतना खेती थी, हम लोग बाहर ना जा डालते हैं, चैनपुर सड़क पर हम लोग नहीं जा पाते थे, घर ही से महाजन लोग घोड़ा से धो करके ले जाते थे खरीद कर घर ही से। फिर इसके बाद में लाख खेती एक वही भाग गया जो कि कोई पता नहीं चला, नहीं पकड़ पाया लोग कहाँ बाहर प्लान तो कहाँ क्या हर चीज़ में कमी बेसी आ गई। हमारा जो जंगल फॉरेस्ट बचा हुआ था पर्यावरण वो भी सब खत्म हो गया। झारखंड के उत्तरी पश्चिमी दिशा में स्थित है जिला पलामू। जंगलों और पहाड़ों से घिरे इस भूभाग को प्रख्यात लेखकों ने संधि विच्छेद करते हुए लिखा है, प से पलास, ल से ला और म से महुआ, यानी यहाँ के जंगलों में अधिकतर पलास के पेड़ पाए जाते थे जिस पर ला की खेती होती थी जो ग्रामीण जनजीवन की आजीविका का मुख्य साधन रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे यहाँ के किसानों का लाख की खेती से मोह भंग हो गया? लहिया नहीं लगे लगल कन्हों से बिहन तिहन खोज के लाने लगे वो करे तो लगबे नहीं करे जड़ जा हालक वहाँ धुनवा जो गिरे लागल ने धुनवे से सब लहिया मरल पड़ा। ये पाला के कारण जो है से कि लाह यहाँ से मतलब मर गया। इन सभी समस्याओं का समाधान झारखंड सरकार ने जोहार परियोजना के माध्यम से ढूंढ लिया है। लघु वन उपज योजना के अंतर्गत लाख को फिर से पुनर्जीवित करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। मैं एबीएम के रूप में काम करती हूं और जोहार प्रोजेक्ट के माध्यम से लाख का खेती करने के लिए प्रशिक्षण लेकर के आई और सभी दीदी को बैठक में ट्रेनिंग दिए। ट्रेनिंग दे करके सभी को हम जानकारी दिए कि लाख का खेती करने से कितना फायदा है। पहले तो हम लोग नहीं जानते थे, तो जैसे पीएस के द्वारा आया तो हम शुरू 2 kg बिहन लाख मिलल था, तो 2 पेड़ में लगाए तो 10-20 kg 2 पेड़ में लगाए। इस वर्ष बढ़ाए हैं 5 पेड़ में और फिर अगले वर्ष जो तैयार होगा फिर बढ़ाएंगे। अब कितना मुनाफा होगा। यहाँ कम से कम 20-25 दीदी का बहुत अच्छा खेती हुआ जिसमें कोई दीदी 11,000 कमाई जो कि 210 रुपये के केजी के हिसाब से बेची है। किसी दीदी का 50 kg हुआ है, किसी दीदी का 35 kg हुआ है, किसी दीदी का 41 kg हुआ है। हम लोग का पेड़ जो है ऐसे ही रह जाता था और इस वर्ष हम लोग दीदी लोग सारे दीदी लोग हम लोग 10,000, 11,000, 15,000 तक कमाए हैं। इसमें हम लोग बहुत खुशी हैं। यह पलामू जिले का चैनपुर ब्लॉक परसा खांड गांव की परहिया आदिम जनजाति महिलाओं का उत्पादक समूह है। इन महिलाओं में कई महिलाओं ने लाह, मोरिंगा और लेमन ग्रास की खेती में सफलता की कहानी लिखी है, लेकिन उससे पहले इन्होंने समूह में इन लघु वन उपज की वैज्ञानिक ट्रेनिंग ली और अपनी आजीविका वन उपज मित्र के गाइडलाइन से खेती की। बिहन लगाए वहाँ से हमारा समय शुरू हो गया। अब उससे 7-10 दिन में बदल देना है दूसरा डाली में, 21 दिन पे उसको बंडल को पेड़ से उतार देना है। पेड़ पे रहेगा उससे कोई फायदा नहीं है, सड़ के खराब होगा। उसको उतारिए, उसको छील के बेचिए और उससे पैसा निकाल लीजिए। सभी दीदी लोग मिलजुल कर हम लोग लाह का खेती कर रहे हैं और अभी लाभ बहुत अच्छा है और हम लोग का उम्मीद है कि इस जोहार परियोजना में जुड़ने के बाद बहुत दीदी लोग को बेरोजगारी थी, वो अभी रोजगार अपना घर में ही कर रही है, इसलिए दीदी लोग इसके माध्यम से काम धंधा करके पैसे को बचा करके अपना बाल बच्चे को पढ़ा रहा है और विकास की ओर बढ़ रहा है। ये है सुषमा कुमारी, सीमा आजीविका सखी मंडल की सदस्य है। उम्र में छोटी है लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों में सबसे बड़ी। इनके परिवार में माँ का साया नहीं है। 2 साल पहले सुषमा ने समूह की सदस्यता लेकर लाख की खेती की वैज्ञानिक ट्रेनिंग ली और आज लाख की आमदनी से अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी बहनों की पढ़ाई का भी खर्च उठा रही हैं। हमारे पीजी में लाख के बारे में बताया गया, ट्रेनिंग दिया गया कि लाख लगाया जाता है, लाख का दवा होता है, छिड़काव पड़ता है तो लाख मजबूत होता है। तो हमारे पीजी में 3 kg के हिसाब से लाख दिया गया। हमारे यहाँ 200 लगभग पेड़ पलास का है, लेकिन उसको में से हम 5 पेड़ में लगाए थे पलास, उसको में देखे कि बहुत
अच्छा खेती है, दवा भी समय समय से मिला तो हमको लाभ में फायदा हुआ। तो अभी हमने 45 पेड़ों पर लगाए हैं और 12 केजी बेचे हैं। सुषमा की तरह गांव की कई महिलाओं ने लाख की खेती में परचम लहराया है, लेकिन इसमें सोनी बीबी थोड़ी हटकर हैं। इनके मन में हमेशा एक सवाल उठता था, जब हमारे बड़े बुजुर्गों ने लाख की खेती करना छोड़ दिया तो हम कैसे कर पाएंगे। इनके सवाल का जवाब इन्हें इनके समूह में आजीविका वन उपज दीदी ने दिया, लाख की वैज्ञानिक ट्रेनिंग देकर। 21 दिन बाद जब हम लोग फुकी उतारते हैं, उसके 15 से 30 दिन के बाद हम लोग पहला छिड़काव करते हैं। लाख को मतलब किसी भी कोई तरह की बीमारी या कीड़ा उससे बचाने के लिए हम लोग दवा का छिड़काव करते हैं। किसी भी जीने दीदी आई थी, वही बताई कि लाख का खेती करने से फायदा होगा, लाख का खेती लगाइए। तो हमने सुना तो उसे लिया बिहन। पहली बार मैंने 10 पेड़ पे लगाया, फायदा हुआ, तो इन साल हम 50 पेड़ पे लगाए हैं। इसके साथ ही यहाँ की भौगोलिक स्थिति और जलवायु को देखते हुए मोरिंगा और लेमन ग्रास की खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी इस आजीविका के समग्र विकास में भरपूर योगदान दे रहा है। योजना के अंतर्गत विकास की डगर पर आगे बढ़ने के लिए एकजुट होना अति आवश्यक है। आजीविका वन उपज मित्र गांव की महिलाओं का समूह बनाती है और उन्हें ला, मोरिंगा और लेमन ग्रास की खेती के लिए प्रोत्साहित करती है। झारखंड की महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मोरिंगा की वैज्ञानिक खेती का बहुत बड़ा योगदान है। मोरिंगा एक ऐसी फसल है जिससे एक बार लगाकर 7 सालों तक उसकी पत्तियों से लाभ कमाया जा सकता है। ये अनमोल आजीविका सखी मंडल की महिलाएं हैं। इनमें से कई महिलाओं ने एक साल पहले मोरिंगा की खेती शुरू की थी, कई बार लाभ कमा चुकी हैं और अति उत्साहित हैं। अब ये मोरिंगा के आर्थिक आमदनी के साथ मोरिंगा से होने वाले स्वास्थ्य लाभ के बारे में भी बताती हैं। ये है अस्मीना बीवी। ये चमेली आजीविका सखी मंडल की सदस्य हैं। इन्हें खुशी है कि जो खेत इनके खाली पड़े रहते थे वो भी अब आमदनी के साधन बन गए हैं। इन्होंने मोरिंगा की खेती की है और मोरिंगा की खेती का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसकी देखरेख और फसलों के मुकाबले कम करनी पड़ती है। इसे बेचने के लिए बाजार नहीं जाना पड़ता, बाजार खुद इनके पास आता है। यानी लघु वन उपज योजना के भैया आते हैं और घर से ले जाते हैं और सबसे बड़ी बात, पैसा सीधा खाते में आ जाता है। झारखंड में लेमन ग्रास की खेती ग्रामीण महिलाओं में आत्मनिर्भरता का स्तंभ बनता जा रहा है। जोहार परियोजना के अंतर्गत लघु वन उपज योजना के माध्यम से उन समूहों को चुना गया जिनकी जमीनें बंजर थीं। लोगों के पास खेत होते हुए भी खेती नहीं करते थे, कारण एक ही था, सिंचाई के साधन नहीं होने। हम लोग को बहुत सारा बंजर भूमि था जिसमें हम लोग खेती नहीं कर पाते थे, पानी की कमी की वजह से नहीं हो पाया और पशु सब भी खुला रह जाता है जो खा जाते हैं और हम लोग का खेती को नहीं होने देते हैं। इस वजह से हम लोग आज तक कोई खेती कर नहीं पाए। और लेमन ग्रास ऐसा खेती है जिसको पशु नहीं खाते हैं और इससे हम लोग को कम पानी में भी हो जाता है इसका उपज। संस्था की ओर से उन समूह की महिलाओं को लेमन ग्रास की वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने के लिए ट्रेनिंग दी गई। लेमन ग्रास को लगाने के लिए पानी की बहुत ज्यादा सुविधा होनी जरूरी नहीं है। इसमें हम जो फसल होता है उसको मिर्चा के पौधे जैसा एक एक फीट की डिस्टेंस पे, जैसे ये पौधा है एक हमारे यहाँ है, फिर यहाँ पे एक फीट का डिस्टेंस हुआ एक फीट, और फिर दूसरा पौधा है उसके बीच ऐसे भी एक फीट ही डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। इसी का ये सफल परिणाम है कि इन समूहों की महिलाओं के खेतों में लेमन ग्रास के पौधे लहलहा रहे हैं। बहुत पहले से हम लोग रहर तिल लगाते थे, उस खेत में कोई मुनाफा नहीं होता था। जब जोहार परियोजना में जुटे तो भैया लोग आए समझाए कि लेमन ग्रास लगाइए, तो हम लोग सभी दीदी मिल के बोले कि लेमन ग्रास क्या है क्या होगा,
बिकेगा नहीं बिकेगा। तो भैया लोग बोले कि सिर्फ आप लोग लगाइए, हम लोग लगेंगे। तो अगले साल बीज वही लोग भेजे और हम लोग लगाए, तो हम लोग का बहुत अच्छा से फायदा हुआ। तो एकदम जोर शोर से सभी दीदी हम लोग इन साल से एकदम उगा रहे हैं लेमन ग्रास का। गांव का पैसा गांव में रहे और उन्हें किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़े, इसके लिए झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने गांव में लेमन ग्रास तेल निकालने की मशीन लगाई है। इस मशीन को चलाने के लिए महिला सखी मंडल और ग्रामीण संघ केंद्र की दीदियों को तेल निकालने की विशेष ट्रेनिंग दी गई है। मशीन से एक बार में 500 किलो लेमन ग्रास से तेल निकाला जा सकता है। यहाँ दीदी लोग जितना भी महिला है लेमन ग्रास का खेती करते हैं और यहाँ तेल निकलवाने के लिए घास को लेकर आते हैं और जैसे कि तेल निकलवाते हैं। बीते एक साल में लेमन ग्रास की वैज्ञानिक खेती करके गुलाब आजीविका समूह की बासमती देवी ने सफलता की एक नई कहानी गढ़ी है। मेरा खेत परती रहता था, पहले कोई चीज नहीं करते थे, इसी मैं झाड़ी ओड़ी सब कुछ लगल रहता था। 4000 स्लिप जड़ी भेटा लेमन ग्रास को लगाए हम लोग। तो उसको बहुत थोड़ा मोड़ा पानी लगता था उसको में, अषाढ़ के समय में काट कर 4000 स्लिप के 26400 स्लिप हुआ। तो उसको पैसा जब आया तो उसको से पैसा मिला 13200 रुपया, मतलब 50 पैसे के जर से स्लिप का। तो उसको से हम दुकान खोल दिए हैं, दुकान खोले उसको से 400-500 ये बिक्री करते हैं। वनों से इनका पुराना नाता है, लघु वन उपज योजना इनको आजीविका से जोड़ रही है। देश में लोकल वोकल को चरितार्थ करती ये महिलाएं ग्रामीण जनजीवन के आर्थिक पहिए को अपने मजबूत मनोबल से घुमा रही हैं। मोरिंगा, लाह और लेमन ग्रास इनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के माध्यम हैं। ये हंसते मुस्कुराते चेहरे बदलती तस्वीर की गवाही दे रहे हैं। जोहार परियोजना से बहुत हासिल हुआ है और बहुत कुछ हासिल करना बाकी है।